हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बजाज पल्सर 220 2017 रियल माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं इस बाइक को हार्ड कोर राइड करूँगा, 80-90, मतलब जितना हो सकेगा उतना मैं इसको एक्सेलरेट करूँगा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनिमम ये बाइक आपको इतना माइलेज दे सकती है। इससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा अगर आप 60-70 की स्पीड में राइड करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो ये फ्यूल टैंक का कनेक्शन था वो मैंने बंद कर दिया है, और ये मैंने ये एक्सटर्नल जो फ्यूल का छोटा सा बॉटल है उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है। और ये आप देख पाएंगे बाइक पूरी तरह से बंद हो गई है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉटल में हम 100 ml पेट्रोल को फिल करेंगे और फिर 100 ml में चेक करते हैं कि ये बाइक कितने दूर तक जाती है। फिर उसको अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका रियल माइलेज पता चल जाएगा कि ये 1 लीटर में हमें कितना माइलेज देती है। ये मैंने ट्रिप मीटर को 0 सेट कर दिया, और इसका जो एक्चुअल जो किलोमीटर कितनी चल गई है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे है ये 15,222 किलोमीटर चल चुकी है। अब हम यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी आप ऑन कर दो, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को ही फॉलो करें क्योंकि मैं वहाँ पे अपने चैनल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पोस्ट करता हूँ। अभी हमारी बाइक बंद हो चुकी है, तो अब देखते हैं कितने किलोमीटर चली। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे हमारी बाइक बंद हो गई है। अभी देख पाएंगे स्टार्ट भी नहीं हो रही, तो आप चेक करते हैं कितने किलोमीटर चली है टोटल। तो यहाँ पे अगर हम ट्रिप मीटर चेक करें तो उसमें दिखा रहा है 3.4 किलोमीटर, मतलब अभी अपन ने 3.4 किलोमीटर राइड कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमने 100 ml में राइड किया 3.4 किलोमीटर, ये मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है मिनिमम माइलेज है। अगर आप इसको और 60-70 की स्पीड में राइड करेंगे तो और ज़्यादा माइलेज मिलेगा। तो अगर हम मिनिमम माइलेज यहाँ पे देखें तो 3.4 × 10 34 का माइलेज मिलता है 220 में अगर आप इसको हार्ड कोर राइड करते हैं। तो ये था आज का माइलेज टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।